हेलो फ्रेंड, हम आपको बताएगा जो आज 20 यहाँ पे देखिए, जो दोनों मोटर हैं, ये है 20 HP का और है 20 नहीं, इसमें 20 HP का, वो भी 20 HP का, ठीक है। और वो 20 HP मोटर चेंज हो गया था, ये 20 मोटर 40 HP, दोनों में टोटल 40 HP है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो पंप है, ये इस पंप पे पानी निकलता है और वहाँ से पानी दिखाता हूँ आपको। वहाँ पे नीचे देखिए, और जो इसका हमें वहाँ पे नदी है, ठीक है। वो जो नदी सामने वाला, इस नदी से इस पाइप के जरिए पानी आता है, वो वाला इस दोनों पाइप में पानी आ जाता है, ठीक है। वो भी अंदर लेता है, ये यहाँ पे अंदर हो जाते हैं। और आपको शेष में जो नदी है आपको देख, ये है फुल सेटअप, दोनों 20 HP 20 HP टोटल है, 40 HP का सेटअप लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 200 एम्पेयर का मेन स्विच है फर्स्ट, यहाँ पे इस, और यहाँ पे देखिए पहला वाला जो मीटर था वो यहाँ पे जल गया, दूसरा वाला मीटर इलेक्ट्रिक W, यहाँ पे WBSEDCL कंपनी का मीटर है दिया हुआ है। यह इसका सर्विस लाइन ज़्यादा मोटा है, आप देख सकते हैं कितना लोड जाता है इसमें, तार देख के समझ जाएगा, क्योंकि एक इतना मोटा मोटा तार इसमें कारण आता है, तब भी इस जला हुआ है, इतना लोड चलता है, ठीक है। छोड़िए, सील मेल नॉट टूटेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का सील है। अब चलिए मेरे जो काम होता है आपको आप दिखा रहा है, ठीक है। आपको बोला था मैंने इस डिपार्टमेंट में ही काम करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहा है ये मेन है, ये 200 एम्पेयर का मेन स्विच है, ठीक है। यहाँ पे अब जब जाएगा, यह है मेन स्विच, उसके बाद मेन स्विच के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, तो वो नहीं लग पाया क्योंकि उसने बात दे दिया, जल गया था, उसके लिए डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे एक आप देखते हैं, यहाँ पे 63 एम्पेयर का 415 वोल्ट का मेन स्विच है, यहाँ पे एक 415 वोल्ट का मेन स्विच और 63 एम्पेयर का आप देख सकते हो। ऊपर में देखिए दोनों में वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे देखिए इंडिकेटर लगा हुआ है 3 फेज, इसको कहता है 3 फेज लाइन टेस्ट, क्योंकि जब लाइन होता है तो तीनों लाइन में लाइन बल्ब जलता है, इसका मतलब क्या है, तीनों फेज है, बराबर है। ये है 400, यहाँ पे देखिए 500 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, और ये है एम्पियर मीटर, आप देख सकते हो यहाँ पे 100 एम्पियर है, दोनों में सेम लगा हुआ है। ये है ऑयल स्टार्टर, इसको क्या जाता है, ऑयल स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। इसके कैपेसिटी आप देख लीजिए मोटर का 25 HP, ठीक है। अब वोल्टेज है 415 वोल्ट और एम्पियर है 35 एम्पियर 3 फेज, ठीक है। ये कोलकाता में तैयारी होता है, मेरा कोलकाता यहाँ पे नज़दीकी है, ठीक है, कोलकाता में हो जाता है, और इसका पास भी कोलकाता में, दोनों मोटर सेम ही, दोनों स्टार्टर सेम लगा हुआ है। और इसके अंदर ढेर सारे पार्ट्स हैं आपको हम दिखा रहे हैं, मेन स्विच के सब अलग अलग करके। फ्रंट आप देख लीजिए, यहाँ पे 200 एम्पेयर का मेन स्विच का अंदर का पोर्शन, ठीक है। इसने कितना मोटा मोटा कनेक्टर लगा हुआ है, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला। फ्रेंड इसमें मत हाथ दीजिए, क्योंकि हम दिखा रहा है आपको, आप जब घर पे देखेगा कोई इंडस्ट्रियल में जाएगा तो आप इसमें मत हाथ दिए, इसके ज़्यादा वोल्टेज होता है, लाइन वोल्टेज फुल से रहता है, ठीक है। यहाँ पे कटआउट लगा हुआ है, इसमें आप वोल्टेज है 415 वोल्ट इस आसपास, या 350 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि लाइन अभी पावर डाउन हो गया इसलिए आपको दिखा रहा है काम रुका हुआ है। तो चलिए हम क्या आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, ये है 63 एम्पेयर का, वहाँ से वोल्ट लाइन निकल के आया, यहाँ पे आ गया 63 एम्पेयर का, अंदर पोर्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है, खोल दिया, ये देखिए 63 एम्पेयर का अंदर का पोर्शन यही होता है। अब देखिए यहाँ पे लाइन इनपुट हो रहा है और यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, उसके बाद नीचे से आ गया, ये देखिए ये जो लाइन आया, इस लाइन सीधा आके यहाँ पे देखिए स्टार्टर में कनेक्ट हो गया, ठीक है। जब स्टार्टर पे आ गया तो ये जो देख रहा है, ये वाला 1 2 और यहाँ पे एक है 3, ये है मेन लाइन आ रही है, यहाँ पे स्टार और डेल्टा दोनों में, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे नीचे से डाउन करेगा इस प्रकार, तो ये स्टार में, स्टार कनेक्शन में मोटर स्टार्ट होता है, उसके बाद जब ऊपर तारे देगा तो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा और डेल्टा में मोटर रनिंग हो जाएगा, ठीक है। स्टार स्टार्टिंग के लिए हम लोग स्टार कनेक्शन यूज करता है। यहाँ पे हर सारा
चीज है, इतने इतना कोई नहीं है, तो जिसका नोट जो नया काम में आता है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब इतना जो वोल्टेज है यहाँ पे इतना मोटा तार लगा हुआ है, देख सकते हैं एक कितना करंट जा रहा है। फ्रेंड आप ये बताइए, इसमें करंट भी अच्छा था, क्योंकि आप मोटर के पाम देख सकते हैं इतना जल, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा पाम है, इसमें जो जल पानी आता है ना, ठीक है, इस दोनों में जो हर बार आप देख सकते हैं जितना वो खेत है वो सारा यहाँ पे इस दोनों मोटर पे कवर हो जाते हैं, तो आपको समझ जाएगा इसमें कितना जल देता है। आपको जितना दिखा रहा है वहाँ पे जो दिखा रहा है वो जो शेष बॉर्डर वहाँ तक ये मोटर पानी देता है, ठीक है। यह है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो है ट्रांसफार्मर, 100 KV का ट्रांसफार्मर है, वहाँ से लाइन आता है, ठीक है। और ये जो आप देखा रहा है, ठीक है, ये था वो नदी, कौन सा नदी नाम को मेरे पता नहीं है, ठीक है, मेरे को भेजा है इस ऑफिस ने यहाँ पे, ठीक है। इसको बारे में आप देख सकते हो, वहाँ से नदी पानी आ रहा है उधर से और इधर जा रहा है उस दिख, ठीक है। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जितना तो देखा रहा है, ठीक है, वो सब इस दो मोटर में काम हो जाता है। फ्रेंड आपको समझ जाएगा, आपको पाइप देखना देखा रहा मैंने, इतना मोटा मोटा पाइप से पानी निकलता है, ठीक है, आप देख लीजिए। मोटर का स्पेसिफिकेशन आपको बता रहा है, इस मोटर बहुत पुराना मोटर है, क्योंकि ये मेरा क्या बोलो, मेरा काम शुरू से पहले, जब मैंने काम नहीं सीखा था उससे पहले ये मोटर दिया हुआ था, ठीक है। तो हम भी अभी काम कर रहे हैं उस मोटर के, क्योंकि इस मोटर ज़्यादा पावरफुल मोटर है। आप देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं पाम कितना बड़ा है, 6 इंची का पाम है, ठीक है, इतना गहरा से पानी लेके ये सारा खेतों में पानी दे रहा है इतना बड़ा मोटर में, आप समझ जाएगा। यहाँ पे हम लोग पूजा करता है, ठीक है, हम नहीं, जो यहाँ पे ऑपरेटर लोग रहता है सर, यहाँ पे पूजा विश्वकर्मा पूजा होता है, ठीक है। और इस जो देख रहा है इसको कहा जाता है मोटर, और इसको कहा जाता है फार्म, ठीक है, और दोनों में सेपर रहता है, इसको कहा जाता है कपलिंग किया जाता है, और इस कपलिंग रबर, और यहाँ पे पहले था इस प्रकार एक रबर था इस प्रकार, ये अंदर वो ऊपर से वाला नहीं होता, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार लगा दिया कपलिंग, और इसको फैंस किया जाता था, अभी तो फैंस के चेंज कर दिया, इसको फैंस किया जाता है, कपलिंग भी किया जाता है। मोटर को स्पेसिफिकेशन आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए इस मोटर में है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको हम नज़दीक से दिखा रहा है, थोड़ा देख लीजिए, क्या है नहीं आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए टोटल दिया है, ठीक है, 20 HP2, और ठीक है हॉर्स पावर, वोल्टेज है 415, और फेज है यहाँ पे लिखा था 3 HP, वो तो मिट गया। RPM है 1400 RPM इस मोटर का, ठीक है, इसका RPM है, और एम्पियर है यहाँ पे 30 A लिखा हुआ है, और स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन दोनों में चल होगा, ठीक है। आपको और कुछ जानना नहीं चाहिए, यही बेसिक जानने से आपको हो जाएगा, और RPM 14 से 15 RPM में होता है, यह भी सेम इसको मोटर किया जाता है, और उसको पाम किया जाता है, दोनों में कनेक्ट रहता है फैंस या कपलिंग जो भी कह सकते हो, ठीक है। और इसका एक केबल है, दोनों केबल आता है, एक केबल में 3 3 वायर रहता है, 3 का यहाँ पे टोटल 6 वायर मोटर के अंदर जाता है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 6 वायर जाता है। अब स्टार्टर को जो कनेक्ट होता है, आप देखिए पहले वाला जो होता है, देखिए L1 L2 L3, इसका मतलब क्या है, Line 1 Line 2 Line 3, रेड येलो ब्लू, ए मतलब है A1 B2, A1 से B2, और B1 C2, और C1 A2, ए है A1 B1 C1, रेड येलो ब्लू, ठीक है।
आप इसके आपके तारे कनेक्शन कर सकते हो, जो इसके जो लगा है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान ली इसको डेल्टा कनेक्शन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में कनेक्ट हुआ है आपको A1, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 सॉरी B2, B2 मतलब ये जो यहाँ पे जो B1 इसका A1 और A2 और B1 यहाँ पे B2 और C1 यहाँ पे C2, इसको डेल्टा कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। और ये जो देख रहा है इसको अर्थिंग किया जाता है, और अर्थिंग किया जाता है वोल्ट मीटर आपको दिखा दिया आपको। चलिए सप्लाई आया कि नहीं आप देख लेता है। स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में, स्टार्टर के स्पेसिफिकेशन ये है, इसको गियर, ठीक है। स्टार्टर इसके अंदर ऑयल है, तकरीबन 5 से 7 लीटर ऑयल लगा हुआ है। ये जो है आप देख सकते हैं ऑयल चैम्बर, ठीक है। इसे हर भरा ऑयल चैम्बर है, इसको कॉयल है एम्पियर कॉयल, जो कि मोटर से ज़्यादा लोड होने से ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है और मोटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। ये एम्पियर यहाँ पे कॉयल लगा हुआ है, तीनों कॉयल, तीनों फेज में तीनों कॉयल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। कनेक्शन के बारे में आप बता दे सकता हूँ फिर से एक बार, ठीक है। L1, L2 और L3, रेड येलो ब्लू, और यहाँ पे देखिए ब्लू येलो रेड चेंज कर दिया, इसका मतलब इसको डेल्टा कनेक्शन कर दिया मैंने, ठीक है। फ्रेंड ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्योंकि जब काम करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेंजर जोन इलाका है, ज़्यादा वोल्टेज रहता है, यहाँ पे हमने ऑफ करके रखा है, इसलिए उस उधर में लाइन नहीं गया था। देखिए लाइन सप्लाई आया कि नहीं, वो आ गया, देखिए लाइन भी आ गया, ठीक है। सप्लाई दे दिया मेरे को, आप यहाँ पे मीटर आ गया। फ्रेंड ये जो मीटर है आपको तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि इसने इतना सारा फंक्शन है, आप यहाँ पे एक एक फंक्शन आप खुद ही पढ़ लेगा, ठीक है। हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे इतना सारा फंक्शन दिया हुआ है। पहला वाला देखिए, ये सब फंक्शन यहाँ पे देखिए, इतना जो जो लिखा है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर वो मीटर का देख सकते हो, मीटर का वेरिफिकेशन दिया है इसके अंदर। इस मीटर में फ्रेंड यहाँ पे टाइम डेट, और इसके अंदर एक डिवाइस लगा होता है आपको, जो ऑनलाइन से कनेक्ट रहता है हर टाइम, क्योंकि यहाँ पे इतना करंट कॉस्टली, जो यहाँ पे कलकत्ता में सरासरी विद्युत भवन से कनेक्ट रहता है ये मीटर, क्योंकि इसका जो ऑफ होता है ऑन होता है हर टाइम, कितना टाइम चल रहा है कितना टाइम ऑफ हो रही है वो सब इस वहाँ पे ऑटोमेटिकली भेज। यहाँ पे एक GPS लगा हुआ था, वहाँ पे एक सिम लगा रहा डाला हुआ है, वो सिम इंटरनेट से सर्वर से कनेक्ट रहता है, जो कि ना हर टाइम उसको डाटा भेजता रहता है। और यहाँ पे जो कनेक्ट सप्लाई आता है फ्रेंड, यह एक बढ़िया चीज़ आपको दिखा रहे हैं डायरेक्शन। अब देखिए कनेक्शन के बारे में, जो सप्लाई आता है पहले रेड येलो ब्लू उसके बाद न्यूट्रल, ठीक है। तो आपको कनेक्शन करना किस तरफ है देखिए, पहले वाला रेड आउटपुट हो गया, देखिए पहले यहाँ पे आ गया, उसके बाद येलो 2 नंबर लाइन पे देखिए, और L1 यहाँ पे S1 देखिए लाइन आउट हो गया, और दूसरा आउट हो गया, ब्लू आ गया, और यहाँ पे देखिए ब्लू जिस पोर्शन की गया, ठीक है वो वाला, और उसी दूसरा साइड से निकल आया, ठीक है। इसमें आसानी कुछ नहीं है, इस रेट पे अंदर गया और दूसरा रेट से बाहर आ गया, ये वाला से गया और इस ये वाला से निकल आया, इस ब्लू से गया, और ये है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कोई नहीं है, जो एक ही से काम हो जाता है। ये था मूल फीचर्स। फिर से सप्लाई चला गया, क्योंकि मैंने बोला था जो सप्लाई में काम हो रही है। हेलो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसे लगा, और क्या इसके बारे में कुछ सवाल है तो मेरे को बता सकते हो, और ठीक है। और ये जो देख रहा है यहाँ पे पूजा होता है अच्छा से, क्योंकि इतना बड़ो खेत आप देख सकते हो, इतना बड़ो सारा खेत है, जो कि ना आपको पानी देता है,
इस दो भगवान, क्योंकि यहाँ पर लोग इसको भगवान कहता है इसलिए क्योंकि एस्ट बंद हो जाते हैं तो पूरा चास जो है इतना बड़ा माठ खेत यहाँ पे खेते भरा हुआ है, धान या सब्जी तरबूज ये सब होता है तो आलू, ठीक फ्रेंड ये इसलिए ये खेत में मोटर पानी देता है। वो जो लोग आ रहा है ऑपरेटर लोग आ रहे हैं यहाँ पे मेरे को, थैंक यू फ्रेंड, यही है था वीडियो आपको दिखाने के लिए जो बड़ा मोटर कैसे काम होता है क्या क्या लगा होता है आप देख लिया। फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल में सब्सक्राइब किए और कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके बारे में और कोई सवाल है तो। थैंक यू फ्रेंड।